हिंदी के पेपर में आपने बहुत अच्छा फोड़ा है, अब बारी है इंग्लिश की। बच्चों, इंग्लिश के पेपर में चार सेक्शन होने वाले हैं। उन चारों के बारे में, चाहे रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, उन चारों में से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उन चारों में हम कैसे फुल स्कोर कर सकते हैं, क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में सिलेबस ये पड़ा है, ठीक, पढ़ने का टाइम इतना सा है और इंपॉर्टेंट इतना सा है, ठीक। तो यदि आपके मार्क्स अभी तक 30, 40, 50 के आसपास आ रहे हैं और आपका मन है 70, 75 प्लस स्कोर करना 80 में से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे सारा मटेरियल शेयर करेंगे, चाहे वो फुल पूरा PDF हो किसी चैप्टर का, ग्रामर हो, लिटरेचर हो या फिर राइटिंग। उसके बाद हम एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी मेथड यूज करेंगे जिसको हमने कहा है सुपर फास्ट रिविजन टेक्निक, जिससे आप 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग से आएगा आपका 20 मार्क्स का, उसके बाद राइटिंग से आएगा 10 मार्क्स, ग्रामर 10 मार्क्स, और उसके बाद लिटरेचर होगी आपकी 40 मार्क्स की। और बच्चों, अब हम बात करते हैं कैसे, कितना और कब इन चारों टॉपिक्स को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ताकि जो एक से दो दिन का गैप हमारे पास बचा है इसमें हम पूरा पढ़ लें, और या अगर हमने पढ़ लिया है तो हम इसको पूरा कैसे रिवाइज करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो बच्चों, रीडिंग सेक्शन में आंसर ढूंढना बहुत टफ टास्क होता है, और आजकल जो अनसीन पैसेज आते हैं उसमें से आंसर को ढूंढना टफ है। पहले आसान था, लाइन से आंसर हमको मिल जाते थे, हम इंपॉर्टेंट वर्ड देखते थे तो आंसर मिल जाता था। अगर क्वेश्चन में और पैसेज में ऑप्शन वर्ड मिल गया तो हम सोचते थे आंसर यहीं से। हम कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करते हैं, जिससे आप अनसीन पैसेज, जो भी आपका रीडिंग सेक्शन है, उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले टिप्स और ट्रिक्स में आता है रीड केयरफुली एंड क्विकली। बच्चों, जो आपका पूरा का पूरा अनसीन पैसेज है ना, इसको स्टार्टिंग में पढ़ लो, एकदम स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको पढ़ना है आपका अनसीन पैसेज, जो कि जो 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रीड होगा, ठीक, और एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। आपको देख लेना है कि यार क्वेश्चन में किस टाइप का पूछा गया है, ठीक। पहले उसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिखे तो उसको हल्का सा कहीं पर मार्क कर लो, ठीक। दूसरा, स्कीम एंड स्कैन द कीवर्ड्स, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अगर वर्ड दिख रहा है ना कहीं पर, तो उसको हल्का सा कहीं ना कहीं पर मार्क करो या फिर अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखो, ठीक। इसका फायदा होगा जब आप नीचे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, MCQ पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग एकदम से ट्रिगर होना चाहिए कि यार यहाँ पर ये वर्ड यूज करा है, यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंड द थीम। हमको अनसीन पैसेज की थीम को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको अनसीन पैसेज को पूरा रीड करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड को देखना है, और देखना है कि यार ये जो बात कर रहा है ये किस तरह की कर रहा है, ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है या नेगेटिव में कर रहा है, ये किस तरह की, इसकी थीम कैसी है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक। मीन, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इन्फर। मीन, आप जो पैसेज दिया है ना, इसको एनालाइज करो, उसी के अंदर जब रीड कर रहे हो ना, जब एनालाइज करते रहो कि भैया ये कैसी बात करना चाह रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, या फिर ये किसी से बातचीत कर रहा है, ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। उसको इंटरप्रेट करो, आप जो भी लैंग्वेज में हो उसमें उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो उसी टाइम, ठीक। ये जो पूरे पॉइंट्स हमने दिए ना, इसके हिसाब से आप आपके घर पर 2-4 पैसेज को प्रैक्टिस कर लो, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगली चीज, बीवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। होगा क्या कि पैसेज, जब एक कहानी पूरी की पूरी चल रही है, एकदम से वो बीच में ना और कुछ कॉन्टेस्ट की बात कर लेगा वहाँ पर, फिर वापस उसी कहानी के ऊपर आ जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि यार ये जो बीच वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर वहाँ पर एकदम से टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको कहानी समझ में ही नहीं आएगी। ऊपर से कहानी अलग चल रही है, बीच में और कुछ आ गया तो हमारा पूरा का पूरा लिंक टूट जाता है। तो समझना पड़ेगा कहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक। बच्चों, आप 5 से 6 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो, आपका रीडिंग सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। बच्चों,
राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 मार्क्स का आपका आएगा, चाहे ईमेल राइटिंग हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो जिसमें इनफॉर्मल फॉर्मल कोई भी लेटर हो, ठीक। इन सारे लेटर्स का, सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना राइटिंग सेक्शन में, उन सब का हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब कहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट? हमने इसके दो तरीके आपको दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें हर एक तरीके का, अगर आप फॉर्मल लेटर पे जाते हैं तो फॉर्मल लेटर के सारे टाइप्स वहाँ पर मिलेंगे, उनके एग्जाम्पल मिलेंगे, उसकी टिप्स मिलेगी, उसका फॉर्मेट मिलेगा, ठीक। अगर आप इनफॉर्मल पे जाते हैं तो उसके भी जितने टाइप हैं वो सारे के सारे टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है, क्या चीज़ पर ध्यान देना है, फॉर्मेट दिया है, हर एक के बारे में दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। अगर आपने इतना पार्ट करने पर आ गए तो आपको मजा आ जाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें यहां पर तो मिलेगी पीडीएफ में। दूसरा, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आपको रिवाइज करना है, तो हमने क्या करा है कि जो राइटिंग सेक्शन का जितना भी पार्ट आता है उन सबको एक पेपर पर लेकर आ गए, उसमें सब आ गया, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर सब आ गया, मेल आ गया, पैराग्राफ आ गया, सबके बारे में टिप्स दे दी, ठीक है। अगर आप रिविजन पे है तो आप वन पेज पे जाओ, और अगर आप रिवीजन पे नहीं हो, आपको क्या चाहिए, आपको पूरा का पूरा एक बार फॉर्मेट देखना है, तो भैया हमने बहुत बढ़िया तरीके से सब ग्रामर की भी, राइटिंग सेक्शन की सब की हमने पीडीएफ दे दी, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ मिलेगी। अगला हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में भाई हमने क्या दिए, सब पीडीएफ दिए, सारे एक्टिव पैसिव टेंस है, कैसे कन्वर्ट करना, सब चीज, सब बातें करके रखी है, ठीक है। हमने सारी की सारी बातें वहाँ पर करके रखी है। और सुनो, अब आपको ग्रामर में जितनी भी चीज़ें आती है, राइटिंग और ग्रामर में जितनी भी चीज़ें आती है, उन सब को हमने नीचे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। आप बस ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है उस पर जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितने तरीके। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पड़ा है, ग्रामर बहुत बड़ी है, लेकिन हमने उसको दो दो तीन तीन पेज में सबको समेट दिया है। आपके सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको बोर्ड के अंदर आते हैं, आपको वो सारे लेटर्स, ईमेल्स, पैराग्राफ सब मिलेंगे। आप फॉर्मेट पढ़िए, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे फॉर्मेट्स को रीड करने में। हर जितने भी फॉर्मेट है उसके जितने एग्जांपल्स बोर्ड में आ गए सब वहाँ पर लिखे, ठीक। तो बच्चों, इस ग्रामर में और राइटिंग सेक्शन में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आप एक बार ये मटीरियल पर जाओ, आपको मज़ा आ जाना है। अगला आता है हमारा लिटरेचर। भाई सबसे बड़ी समस्या बच्चों की जाती है कि सर लिटरेचर को कैसे पढ़ें, वन शॉट देखे उससे काम हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर हम वन शॉट पर जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये है कि वन शॉट देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते। अगर उसका पैसेज आता है किसी चैप्टर में से तो हम उसके आंसर नहीं लिख पाते, ठीक है। कई बच्चों के साथ हिंदी में ये परेशानी गई थी कि उन लोगों ने पूरा वन शॉट देखकर पेपर देकर आए और उनको लिटरेचर में आंसर लिखने में इतना टाइम लग गया कि उनका पेपर 10-10, 15-15 नंबर का छूटा है, ठीक। तो बच्चों, लिटरेचर को बहुत अच्छे से करने के लिए आप देखो, एक घंटे वाला वन शॉट नहीं, 10 से 15 मिनट वाला वन शॉट देखो, उसके बाद खुद से, जैसे कोई भी चैप्टर है उसकी क्या करो, समरी उठाओ। ऐसा लिखा लेटर टू गॉड है, इसकी समरी उठाई, समरी हमने पूरी नीचे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, उसकी समरी पढ़ो। उसके बाद उसके अंदर हर चैप्टर के एंड में ऐसा दिया है कंक्लूजन, उस चैप्टर का कंक्लूजन, मेन पॉइंट वो क्या बोलना चाहता है वो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हमने क्या दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर दिए। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर लिख के आपको प्रोवाइड करा दिए हैं सारे चैप्टर के, ठीक। और बच्चों, अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो एक सुपर फास्ट टेक्निक है जिससे आप पूरा का पूरा सिलेबस मात्र 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। सारी पोएम्स को हमने एक पेज पर कर दी है जहाँ पर आपको उसके राइटर का नाम है, उसकी पूरी समरी है, ये सारा का सारा वहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाओ, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक। और बच्चों, आप ये वीडियो आपके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनसे शेयर करो, भले से लाइक कमेंट नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन ये कंटेंट सब तक पहुंचना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। और अगर किसी भी बच्चे के पास ये दिक्कत जा रही है कि उसको किसी भी तरीके की दिक्कत जा रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छा फोड़ने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक।